हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, अभी सुबह के बज चुके हैं 9 और दोस्तों हम लोग महाराष्ट्र बॉर्डर पार कर दिए हैं दोस्तों, और हम लोग अभी हैं छत्तीसगढ़ में। तो दोस्तों चिचोला बॉर्डर भी हम लोग पार कर लिए हैं। तो इस बार क्या है, गाड़ी का हाइट नहीं था, इस कारण से पैसा नहीं लगा दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग अभी चिचोला बॉर्डर पार करके और थोड़ा सा आगे आने के बाद भाई एक यूपी बिहार का ढाबा है दोस्तों, बहुत बढ़िया। तो यहीं पर गाड़ी लगा दिए थे जिया जी, और यहाँ पे भाई मस्त नहा धोवा लिया हूँ। देखो नहा धोवा के और शर्ट और लोवर पहन लिया हूँ। तो भाई 2 दिन हो गया था उधर नहाया नहीं, तो उधर पानी का बहुत दिक्कत था दोस्तों महाराष्ट्र में, और उधर बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है दोस्तों पानी का, यानी कि भाई पेट्रोल पंप पे भी कहीं कहीं पानी नहीं होता है दोस्तों। बाकी इधर तो हर जगह बढ़िया एकदम है, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों खाने में था रोटी, भिंडी का भुजिया, आलू का भुजिया और दही था दोस्तों। तो खाना पीना हमारा हो गया है, और जिया जी भी खाना खा लिए हैं, और देख सकते हैं भाई जिया जी भी सो रहे हैं पंखा चला के, बढ़िया। और हम लोग अभी निकलेंगे दोस्तों यहाँ से, थोड़ा देर आराम कर लेते हैं आधा घंटा, उसके बाद हम लोग भाई यहाँ से निकलेंगे। तो भाई 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 भाई, 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 भाई हमारे ट्रक में देखो तितली आके बैठ गई है। देखो भाई तितली है, चलो इसको निकाल देते हैं भाई, तितली को फंस गया है भाई इधर आके, इसको पता नहीं चल पा रहा है कि कहाँ के फंस गए हैं, इसको निकाल देते हैं दोस्तों। अरे भाई आजा आजा आजा, ओह चलो भाई तितली को निकाल दिया मैंने। तो दोस्तों अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे आधा घंटा में। तो अब छत्तीसगढ़ का जो रायपुर शहर है तो यही पार करना है दोस्तों, और ये शहर भाई 30-40 किलोमीटर, यानी कि भाई पूरा यानी कि शहर है। तो शहर के बीचों बीच रोड निकला हुआ है, जो हाईवे रोड है तो बीच में से रोड निकला हुआ है शहर के बीचों बीच, और जगह जगह पे ओवरफ्लाई रोड भी बना हुआ है, यानी कि भाई ब्रिज भी बना हुआ है, और कहीं पे नीचे भी रोड है जो। तो दोस्तों ब्रिज से नीचे भी कभी जाता है गाड़ी, कभी फिर ब्रिज पे चढ़ जाता है गाड़ी, तो इसी तरीके से बना हुआ है दोस्तों। तो इधर थोड़ा सा भीड़ भाड़ इलाका है, तो थोड़ा सा इधर टाइम लगता है। तो अब छत्तीसगढ़ निकलेंगे हम लोग, और भाई आज फिर रात भर चलेंगे, तो कल देखते हैं भाई उड़ीसा में पहुँच जाएंगे, यानी कि दोस्तों। तो आज है 29 तारीख, और आज क्या है कल के बाद फिर भाई जो गाड़ी का एक पर्ची कटता है 2000 रुपये का, जो एक राज्य से दूसरे राज्य में हम लोग जाते हैं उसके ऊपर मोहर लगता है 100-100 रुपये में। तो उसका पर्ची भी का डेट है जो वो 29 तारीख तक रहेगा, और कल के बाद भाई उसका डेट फेल हो जाएगा, फिर नया पर्ची बनेगा 2000 रुपये दे के। तो हर गाड़ी का अलग अलग नियम है दोस्तों, हर गाड़ी में अलग अलग पर्ची का पैसा लगता है। तो हमारे 12 चक्का गाड़ी है तो 2000 लगता है, 10 चक्का गाड़ी होता है तो 1500 रुपये लगता है दोस्तों। तो चलो हम लोग तो पार हो जाएंगे, उड़ीसा में घुस जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर बॉर्डर तो पार ही हो जाएंगे। तो फिर उधर से आते समय फिर भाई दूसरा पर्ची कटवाना पड़ेगा, जब तक भाई 5-6 तारीख 10 तारीख हो जाएगा पता नहीं। तो चलो भाई अब चलते हैं यहाँ से। तो फाइनली दोस्तों अभी शाम के बज चुके हैं 5:30, और हम लोग ढाबे पे से खाना पीना खा के निकले थे। और भाई रायपुर जो शहर है छत्तीसगढ़ का, तो यहाँ पे भाई 3 घंटे हम लोग जाम में फंसे रह गए। तो भाई आज गणेश पूजा का जो गणेश जी जो है उनका मूर्ति विसर्जन है, तो वही जुलूस निकलने वाला है, तो भाई बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ था एकदम, और जाम में फंसे रह गए दोस्तों 3 घंटे। तो अभी हम लोग रुक गए हैं जाम से निकल के इधर रायपुर शहर पार करके, और दोस्तों देख सकते हैं भाई ये रही हमारी गाड़ी, और अभी जिया जी गए हैं चाय पीने, ये पेट्रोल पम्प के पास में हम लोग गाड़ी लगा दिए इधर साइड में दोस्तों, और अब जाम से निकल गए हैं। अब रात को रात भर गाड़ी चलेगी दोस्तों, थोड़ा सा चाय पानी पी लेंगे, पानी वानी। तो चलो अब चाय पानी पी के फिर चलेंगे दोस्तों हम लोग यहाँ से। तो देखते हैं आज शाम को खाना बनता है गाड़ी में या फिर ढाबे पे खाते हैं। तो अब यहाँ से निकलने के बाद ही दोस्तों पता चलेगा। तो कल रात को भाई बहुत ज़्यादा जाम में हम लोग फंस गए थे, तो कल रात को हम लोग 9:30 बजे जाम में फंसे थे दोस्तों उधर, और इसी रायपुर से आ गए थे। तो उसके बाद फिर जाम में फंसे फंसे फिर रात को 2 बजे जाम खुला था, तो भाई दुर्घटना घट गया था, एक्सीडेंट हो गया था, तो इस कारण से जाम लग गया था पूरा रोड, 10
घाटी है जो पार कर दिए हैं।